नमस्ते, मैं हूं मानव। आप देख रहे हैं जनता शो। दिल्ली विधानसभा चुनाव आम आदमी पार्टी जीत चुकी है और उसकी 62 सीटों वाली शानदार जीत की गूंज न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि केजरीवाल की इस जीत के बारे में विदेशी अखबार क्या लिख रहे हैं। अमेरिकी समाचार पत्र है द न्यूयॉर्क टाइम्स, इन्होंने लोकसभा चुनाव में तगड़ी जीत हासिल करने के एक साल के अंदर दिल्ली में मिली हार को राजनीतिक भूकंप बताया है। अखबार ने लिखा कि एक साल से भी कम टाइम पहले ऐतिहासिक जीत हासिल कर देश के प्रधानमंत्री बनने वाले नरेंद्र मोदी को देश की राजधानी में एक हल्के राजनीतिक भूकंप का सामना करना पड़ा है। केजरीवाल की जीत पर पाकिस्तान के प्रमुख अखबार द डॉन ने भी अपनी स्पेशल रिपोर्ट छापी है और इसमें आपकी जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हार बतलाया गया है। रिपोर्ट में लिखा गया है कि बीजेपी को इस चुनाव में भारी हार का मुंह देखना पड़ा, जो केंद्र की सत्ता में आने के बाद पार्टी की पहली हार है। डॉन ने अरविंद केजरीवाल की पार्टी की जबरदस्त जीत के बाद मोदी सरकार द्वारा किए गए उस ट्वीट को भी अपनी रिपोर्ट में जगह दी है, जिसमें मोदी ने केजरीवाल को बधाई दी है और दिल्ली के विकास में केंद्र के समर्थन की बात कही है, भरोसा दिलाया है। ब्रिटिश समाचार पत्र द इंडिपेंडेंट के ब्लॉग पर दिल्ली चुनाव को लेकर एक लेख प्रकाशित किया गया है। इसमें लिखा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी अपनी पार्टी के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपने करियर की सबसे बड़ी राजनीतिक हार से जूझ रहे हैं। आम आदमी पार्टी से उन्हें करारी हार का मुंह देखना पड़ा है। दिल्ली की जनता ने मोदी को छोड़कर केजरीवाल की ओर अब रुख कर लिया है। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक चुनाव को दिल्ली में नरेंद्र मोदी के राजनीतिक प्रभाव के पैमाने के तौर पर भी देखा जा रहा था। पिछले साल मई में पीएम बनने के बाद मोदी की अगुवाई वाली भाजपा के लिए विधानसभा चुनाव की हार पहली बड़ी राजनीतिक नाकामयाबी है। मोदी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता के चलते भाजपा ने कई राज्यों के विधानसभा चुनावों में जीत हासिल की थी। वो दिल्ली में भी इसे दोहराना चाहते थे, लेकिन दिल्ली में करिश्माई केजरीवाल से वो पार नहीं पा सके और उन्हें वहां से कठिन चुनौती मिली। अमेरिकी न्यूज चैनल CNN ने भाजपा पर तंज कसते हुए न्यूटन के सिद्धांत का हवाला देते हुए कहा कि इस वीक दिल्लीवासी भौतिकी के सिद्धांत की बात करेंगे। आखिरकार जो ऊपर जाता है उसका नीचे आना जरूरी भी होता है। लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भारी सफलता मिलने के बाद भारत के सत्तारूढ़ दल भाजपा को दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों ने पूरी तरीके से चौंका दिया है। BBC ने केजरीवाल की जीत को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए करारी हार बतलाया है। लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र द टेलीग्राफ ने दिल्ली चुनाव नतीजों को भाजपा के लिए शर्मनाक हार बताया, तो गार्जियन समाचार पत्र ने इसे मोदी के लिए करारा आघात बताया है। गार्जियन ने लिखा कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी ने दिल्ली चुनावों में मोदी को जबरदस्त झटका दिया है। वहीं पाकिस्तान के समाचार पत्रों में भी आम आदमी पार्टी की जीत से ज्यादा बीजेपी की हार पर चर्चा की गई है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन ने लिखा कि भ्रष्टाचार विरोधी पार्टी ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की राजधानी में सत्ता हासिल की है। आपकी जीत के आंकड़ों का जिक्र करते हुए अखबार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि यह फैसला नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी के लिए पहला बड़ा झटका है। गार्जियन ने भी आपकी जीत के बाद मोदी द्वारा किए गए ट्वीट को अपनी रिपोर्ट में लगाया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में भारतीय राजनीति में बदलाव के लिए केजरीवाल द्वारा किए गए दावों का भी जिक्र किया गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा कि भ्रष्टाचार से लड़ने की शपथ लेने वाली पार्टी ने भारत की राजधानी में जीत हासिल की। जर्नल ने आपकी जीत के बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव को पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ी राजनीतिक शर्मिंदगी बताया है। जनरल में लिखा है कि भारी बहुमत से जीत के बाद अरविंद केजरीवाल एक भ्रष्टाचारी विरोधी कार्यकर्ता से राजनेता अब बन गए हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने इसे नई भ्रष्टाचार विरोधी आम आदमी पार्टी के हाथों आश्चर्यजनक हार करार दिया है। अखबार ने लिखा कि चुनाव को मुख्यतः मोदी के लिए राजनीतिक झटके के तौर पर लिया जा रहा है। मोदी के पीएम बनने के बाद विधानसभा चुनावों में ये मिली हार उनकी पार्टी के लिए पहला बड़ा झटका है। अखबार लिखता है कि मोदी की बढ़ती लोकप्रियता को भुनाते हुए हाल ही के महीनों में भाजपा कई राज्यों में चुनाव जीती है और 11 फरवरी को भी उन्हें सफलता दोहराने की उम्मीद थी, जिसे मीडिया मोदी का विजय रथ बता रहा था। लेकिन केजरीवाल के करिश्माई नेतृत्व के कारण दिल्ली भाजपा के लिए कड़ी लड़ाई साबित हुई। BBC ने लिखा कि पिछले साल पीएम बने नरेंद्र मोदी के लिए बड़ा झटका है। उन्होंने कई राज्यों के चुनाव जीते और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और दुनिया के कई नेताओं को लुभाया। लंदन के द टेलीग्राफ ने दिल्ली चुनावों में भाजपा की हार को अपमानजनक करार दिया है।
तो कुल मिलाकर दुनिया के सारे अखबार सीधे सीधे भाजपा की इस हार को पीएम मोदी से जोड़कर दिखा रहे हैं, लिख रहे हैं। उनका कहना है कि इसमें बीजेपी नहीं बल्कि पीएम मोदी की हार हुई है। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखिएगा। वीडियो अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिएगा। कैमरे के पीछे थे मोंटू, मेरा नाम है मानव। वीडियो आपने देखे इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया।